महत्वपूर्ण दौरा है जब पहली बार शक्ति केंद्र के जो बीजेपी चार बूथ को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाती है उनके प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर में ये कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित तौर पर उन्हें सीधा एक मंत्र दिया जाएगा। हम देख रहे हैं कार्यकर्ता है वो विशेष तौर पर उन्हें लगता है कि केरल के इस दौरे से और लगातार जो प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो आंध्र प्रदेश से यहाँ केरल पहुंचे हैं और केरल 15 आप देखे दो हफ्ते में दूसरी बार केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। निश्चित तौर पर ये उत्साह बढ़ाता है पार्टी कार्यकर्ताओं में और जिस तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि जो कुंची की जनता है वो सड़कों पर है। सड़क के दोनों तरफ आप देखें तो हर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उन्हीं का रुख करते हैं। तो ऐसे में ये दौरा कई मायनों में खास है, क्या बड़ी बातें आपको नजर आ रही हैं इस पूरे दौरे की? और सबसे जरूरी बात कि जिस तरह से हम दक्षिण भारत में देख रहे हैं कि एक जो तमाम योजनाएं सरकार की हैं वो दक्षिण भारत में बहुत तेज गति के साथ पूरे राष्ट्र में पहुंच रही है, साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी किस तरह से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश के अंदर में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है केरल का जी। और दूसरे दौरे में आपने देखा कि इससे पहले पीएम मोदी का एक भव्य जो त्रिशूर में उनकी रैली हुई थी और उसके बाद रोड शो हुआ था और आज कोची में ये इस आयोजन को देख के आप कह सकते हैं कि ये सारे अब जब ये 5 स्टेट के इलेक्शन हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो दक्षिण मुख पार्टी है, ये उत्तर भारत की पार्टी है। आज कम से कम इस भीड़ ने उन लोगों को ये जवाब दिया है कि बीजेपी जो है पूरे ऑल इंडिया की पार्टी है और सबकी पार्टी है। और इस पार्टी के लिखने में जिन लोगों का एक नैरेटिव चलता था जो आप तेलंगाना के कांग्रेस की जीत के बाद ये कहा गया कि बीजेपी के दक्षिण में प्रेजेंस नहीं है, तो इस नैरेटिव को कम से कम आज का जो ये पीएम का रोड शो है वो तो कम से कम इसको जग जाहिर कर रहा है कि आप जो फेक नैरेटिव चलाते थे उसका आज कोची के लोगों ने उसका जवाब दिया है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जब पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आप आज अगर देखें कि पिछले 15 दिन से या आप उससे पहले से भी बीजेपी का जो अभियान चल रहा था वहाँ केरल में, और आप देखिए कि वहाँ जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदी कम्युनिटी के लोग हैं या और जो भी और कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में जो पहले है तो शायद वो लोग जो एक नैरेटिव बना रहे थे कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है उसका आज एक जवाब उनको मिल रहा होगा जी। विनोद जी, विकसित भारत की इस कड़ी में जब हम देख रहे हैं क्योंकि तमाम यात्रा भी देखी जा रही है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में किस तरह से अब जो तस्वीर है उसका जो स्वतः स्फूर्ति भी होती है बिल्कुल, और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं तस्वीरें साफ तौर पर गवाह है इस बात की कि जो तमाम लोग यहाँ पर दोनों तरफ हैं, सड़क के दोनों किनारे हैं और वो लगातार फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं, तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है क्योंकि बदलाव की जो बयान वो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट में, संघ के अगेंस्ट में और पूरा भारतीयता के अगेंस्ट में रहा है। इस फिलोसफी को किस तरह से वहाँ मुकाबला किया है, किस तरह से लोगों ने वहाँ कुर्बानी दी है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कम से कम 200 से ज्यादा संघ के कार्यकर्ता मारे गए जी इसी केरल में, और ये अपने हिंदुत्व को लेके या राष्ट्रीयता को लेके बिल्कुल विनोद जी ये बात तो साफ तौर पर जग जाहिर है और ये नजर भी आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, अनुज यादव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, साफ तौर पर तस्वीर बहुत कुछ कह रही है और जिस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए फूल बरसाकर यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में ये दौरा किन किन मायनों में सबसे ज्यादा खास है? हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास की योजनाओं को लेकर जो फोकस रहा है पूरे देश भर में, उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, उसके पीछे पूरा देश है। अनुक्षण सुद्दिगळिगागि विस्तार न्यूज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब माडि, होस सुद्दिगळ नोटिफिकेशन गागि बेल आइकॉन क्लिक माडि, लेटेस्ट अपडेट्स गागि www.vistaranews.com वेबसाइट के विजिट माडि, अंगैयल्ले जगत्तिन सुद्दि तिळियलु विस्तार न्यूज कन्नड ऐप डाउनलोड माडि।